हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लेड़ मठरी की रेसिपी। लेड़ मठरी बनाना जितना आसान है खाने में, ये उतनी ही टेस्टी होती है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं लेड़ मठरी। लेड़ मठरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी मैदा ली है। मैदा को यहाँ पर छान के ले लेना है। आप आटे से भी मठरी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर मैदा से बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच से कम नमक डाला है और एक छोटी चम्मच ये अजवाइन ली है। अजवाइन को हाथ से क्रश करके इसमें डाल देंगे। अब इसमें डालना है एक चम्मच यहाँ पर रिफाइंड ऑयल, और रिफाइंड ऑयल को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि आटे में ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें हमें थोड़ा सा यहाँ पर पानी डालना है और एक टाइट सा आटा तैयार कर लेना है। और फ्रेंड्स, ये बहुत टेस्टी बनती है, आप ज़रूर बनाकर रखिएगा इन्हें। और स्टोर करके आप रख सकते हैं, सुबह की चाय शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। आटा यहाँ पर तैयार हो चुका है ये। अब जिस तरीके से हम रोटियाँ बनाने के लिए लोइयाँ बनाते हैं, इसी तरीके से हम मोटी मोटी लोइयाँ यहाँ पर बना लेंगे। तो यहाँ पर मेरी 5 लोइयाँ बन के ये तैयार हुई हैं। तो इन्हें अच्छे से लोइयों को सेट कर लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा आटा ये डाल के मैंने यहाँ पर मैदा ही डाली है और इन्हें बेल लेंगे। जिस तरीके से हम रोटियाँ बेलते हैं, इसी तरीके से हम सभी को यहाँ पर बेल लेंगे। तो सारी मेरे यहाँ पर बेल चुके हैं। अब जो बेली हुई ये रोटियाँ हैं, इनको रखेंगे यहाँ पर और इसके ऊपर डालेंगे हल्का सा रिफाइंड ऑयल, और जो मैदा है, मैदा को हल्का सा इसके ऊपर डस्ट करेंगे यहाँ पर और चारों तरफ से फैला देंगे इस तरीके से इसे। अब जो हमने दूसरी बिली हुई रोटी है, उसको भी इसके ऊपर बिछा देंगे इस तरीके से, और फिर रिफाइंड ऑयल डालेंगे और फिर इसके ऊपर मैदा डालेंगे। तो इसी तरीके से हमें जो 5 रोटियां हमने यहाँ पर ये बना के रखी हैं, बेल के रखी हैं, उनको इसी तरीके से हम इनके ऊपर एक एक के ऊपर रखते चले जाएंगे। तो 5 को इसी तरीके से हमने यहाँ पर सेट कर लिया है। अब इसे हल्का सा इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते हुए पूरी को रोटी को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और आराम से इसे चारों तरफ से इस तरीके से घुमाएंगे ताकि ये जो रोटियाँ हैं ये खुले नहीं, आराम से चिपकी रहेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छी मठरियाँ बनती हैं। देखिए, आप 2 तरीके से मठरी बना सकते हैं। एक तो जो खुली खुली लेयर आती है उस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा ये कि हमें मठरी की तरह चाहिए लेकिन उसमें ना एक शेप आनी चाहिए। तो मैं जो यहाँ पर बना रही हूँ, सिर्फ मठरी में एक शेप आएगी लेयर वाली, उसी तरीके से मैं बना रही हूँ। देखिए, हम धागे की सहायता से इन्हें काट लेंगे। चाकू की सहायता से भी काट सकते हैं लेकिन धागे से बहुत अच्छी लेयर आती है इसकी बन के। तो धागे से आराम से कट जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए, धागे को इस तरीके से इसमें लगाएंगे और हल्का सा इसे फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से काट लेंगे। बहुत ही अच्छी लेयर हमारी बनती हैं ये। अगर आप बेल के बनाना चाहते हैं तो इसे मोटी ही काटें, जिस तरीके से मैं काट रही हूँ। अगर आप बेलना नहीं चाहते हैं तो इसकी और हल्की सी पतली आप लेयर तैयार कर सकते हैं इनकी। ये देखिए, इस तरीके से भी आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं लेकिन थोड़ा फिर पतला आप इन्हें काटें। मैं यहाँ पर बेलूंगी तो इसी वजह से मैंने थोड़ा मोटा मोटा इन्हें काटा है यहाँ पर। ये देखिए, इनको सभी को हम यहाँ पर बेल लेंगे। यहाँ पर एक शेप आएगी बनके, लेयर बिखरेंगी नहीं लेकिन एक शेप आएगी लेयर वाली। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इन्हें फ्राई कर लेंगे। हम यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर ही गैस को रखेंगे यहाँ पर, और मीडियम फ्लेम गैस पर रख के ही इनको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर हमें इन्हें नहीं रखना है, नहीं तो ये ऊपर से तो सिक जाएंगे, बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे, फिर बिल्कुल भी खस्ता नहीं बनेंगे ये। तो इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पर या फिर लो फ्लेम पर कर देना है गैस को। ये देखिए, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं ये, और निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, सारी मठरी हमने इस तरीके से ही यहाँ पर बना कर हम तैयार कर लेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। आप ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से, बनाकर आप स्टोर कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर एक लेयर बन के आई है, बिल्कुल लेयर की शेप देख रही है यहाँ पर, लेकिन लेयर बिखरी हुई नहीं है इसकी। ये देखिए, इसी तरीके से आप बनाकर स्टोर करके रख लीजिए, सुबह शाम की चाय के साथ खाएं आप ये। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।